नमस्कार दोस्तों, तो आप सबकी डिमांड पर लेकर आ गया हूँ मोंटेरा का इलेक्ट्रिक ऑटो का रिव्यू। दोस्तों ये देख सकते हो कितना प्यारा और कितना प्रीमियम है दोस्तों। तो इसकी सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ, इसका प्राइस, माइलेज, इंजन, और अब ये पहले से और भी तगड़े फीचर के साथ में आया है दोस्तों। पुराना वीडियो आपने देखा होगा, बट इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इसका प्राइस कितना है, माइलेज कितना है, और सब्सिडी कितनी है गवर्नमेंट की, और एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस सब कुछ बताने वाला हूँ। और ये नया कलर है दोस्तों, ग्रीन कलर का। ये पहले जो था वाइट कलर में ही था, अभी ये ग्रीन कलर में लॉन्च हो गया है, और अभी एक कलर और आने वाला है इसका, पिंक कलर, और वो भी आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये देख सकते हो प्रोफाइल इसका कुछ ऐसा प्रोफाइल रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों ग्रीन कलर में। तो सारे स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ मैं आपको, इसके प्राइस, माइलेज, रेंज, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी डे मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार रिव्यू लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। फ्रंट में आपको इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो बड़ा सा वैंडशील्ड आपको इसमें फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी शानदार वैंडशील्ड आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको अपना रेनवाइज़र मिल जाएगा, जो कार में जैसा आता है वैसा रेनवाइज़र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो पूरी बॉडी है यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरी मेटल बॉडी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे आपको अपने इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बड़े से प्रोजेक्टर लैंप आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको अपना इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको अपनी मोंटेरा की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े लैंप आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े माउंटेन का लोगो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके टायर प्रोफाइल, तो टायर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टायर का प्रोफाइल रहेगा अपना 12 इंच के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट का जो टायर है 12 इंच का आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने सस्पेंशन चॉकर देखने के लिए मिल जाएंगे, पावरफुल सस्पेंशन चॉकर। और यहाँ पे जो ये मरगार्ड है, ये हार्ड प्लास्टिक का आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और वहाँ पर आपको अपना हॉर्न देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन सा। और टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो टायर प्रोफाइल काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़े हैं, 12 इंच के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं आ गया हूँ दोस्तों ड्राइवर सीट पे, तो जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी बड़ी ड्राइवर सीट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और इसमें आराम से दोस्तों आप 4 लोग बिठा सकते हो, एज़ पर RTO 3 लोगों का अप्रूवल है, बट इसमें 4 लोग इजीली आप बिठा सकते हो, 1, 2, 3। और स्पेस भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, शानदार। तो अभी मैं आ गया हूँ ऑटो के अंदर में, और ये आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ से एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो जब इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको अपनी हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्यारा है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक ऑटो। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको इसका मोंटेरा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप दिखाता हूँ कितने मोड आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग असिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, नेचुरल, इको, ड्राइविंग, पार्क, पावर, 1, 2, 3, 4, 5 5 मोड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। इको मोड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, इको मोड में आप इसको चलाओगे तो ये आपको बहुत ही शानदार रेंज निकाल के दे देगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अब इसकी रेंज भी बढ़ चुकी है, पहले 160 किलोमीटर की रेंज थी, अब इसकी रेंज बढ़कर 180 किलोमीटर की हो चुकी है दोस्तों। सबसे ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कराने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो बन चुका है अब ये, ठीक है। 160 किलोमीटर की रेंज थी पहले वाला, जो पुराना वाला जो ऑटो था उसका 160 किलोमीटर की रेंज थी, और अभी वाले इस ऑटो की रेंज हो गई है 180 किलोमीटर। तो गवर्नमेंट और सब जो प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक ऑटो बना रही है, वो लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है। थोड़े दिन के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 200 की भी रेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगी इलेक्ट्रिक ऑटो के अंदर, मतलब 200 किलोमीटर तक आप लेके जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ, तो की कुछ ऐसी रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो की जो रहेगी कुछ ऐसी की रहेगी, क्लासिक सी। और ये वास्तव में ग्रीन कलर का जो कलर ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया मुझे लगा दोस्तों इसका कलर ऑप्शन। और जो इसकी बैटरी रहने वाली है दोस्तों, 10 किलोवाट की बड़ी बैटरी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, 10 किलोवाट की, तो बहुत पावरफुल बैटरी है। वो भी मैं दिखाऊँगा आपको, पीछे में उसका ये है। यहाँ पर आपको की होल्डर मिलेगा, यहाँ से आप ईज़िली की लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना हैजार्ड लाइट, 12 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एक ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप
अपना कैश वगैरह कुछ भी कैरी कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इजीली। यहाँ से इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो, यहाँ पे ये देख सकते हो, तो यहाँ से इजीली आप यहाँ पे अपना पर्स मोबाइल वगैरह रख कर लॉक वगैरह भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में अब मैं आपको एक एक करके इसके सारे फीचर बताता हूँ। तो यहाँ से इसमें लगा देते हैं की को, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको अपना लाइटिंग ऑप्शन सारा देखने के लिए मिल जाएगा, लेफ्ट राइट के इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको अपना हॉर्न भी देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ हॉर्न ऐसा रहने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने लाइटिंग इफेक्ट, सारे लाइटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंडिकेटर्स वगैरह सारे मोड वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर कुछ लगेज वगैरह ज़्यादा है तो यहाँ पर भी आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जो बॉडी है पूरी मेटल बॉडी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो एक बार मैं हैजार्ड लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट का व्यू कैसा रहने वाला है, ये आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा फ्रंट का व्यू कुछ ऐसा रहेगा, काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़बरदस्त आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आगे से इसका जो लुक है काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी प्यारा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ओवरऑल ये ग्रीन कलर में कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताना, आपके कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और वाइट कलर में ज़्यादा अच्छा था या ग्रीन कलर में ज़्यादा अच्छा है, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी इसका एक पिंक कलर का वर्जन और आने वाला है वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए, तो वो आने से उसका भी मैं आपको रिव्यू करके ज़रूर बताऊँगा। तो एक बार मैं आपको इसका पीछे से दिखाता हूँ, पीछे से कैसा लुक रहेगा। तो पीछे से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी लाइट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको मोंटेरा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पीछे में भी आपको मोंटेरा इलेक्ट्रिक ईपीवी 2.0 की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, ईजिली यहाँ पर आप अपना बूट स्पेस में एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से इसको ईजिली ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको इतना सारा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा और इसके नीचे ही आपको 10 किलोवाट की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी ओरिजिनल, और काफ़ी पावरफुल बैटरी है दोस्तों। और अब इसकी रेंज भी बढ़ गई है, पहले 160 किलोमीटर रेंज थी, अभी 180 किलोमीटर इसकी रेंज हो चुकी है और पूरी बैटरी इसमें फिट की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सीट है दोस्तों पूरी फोल्ड हो जाती है, यहाँ से आप इसको हुक को ओपन करके इसको सीट को पूरा होल्ड पूरा फोल्ड कर सकते हो और ज़्यादा आप स्पेस बना सकते हो लगेज के लिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और इसके अंदर में आप लगभग 4 लोग ईजिली बिठा सकते हो और कुछ डोर ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 लोग इजीली इसके अंदर में बैठ जाएंगे, मैं बैठ के भी दिखाता हूँ आपको। और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा लेग स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको अपना इजीली पकड़ने के लिए ये सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ओवरऑल ऑटो बहुत ही प्यारा और प्रीमियम है दोस्तों, और आपकी कमाई भी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो इसको आप 1 रुपये के अंदर 2 किलोमीटर चला सकते हो, तो आपकी जो कमाई है दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। और इसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा मिलता है दूसरे ऑटो से, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छा है। और 1 रुपये के अंदर आप इसको 2 किलोमीटर चला सकते हो, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वगैरह में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है, और लगेज के लिए स्पेस भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप अपना कम से कम भी 3 से 4 बड़े बड़े बैग आप इजीली कैरी कर सकते हो, और जो पुराने वाले ऑटो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इतना स्पेस आपको नहीं मिलता है उन सब में, ठीक है। और यहाँ से इसको इजीली यहाँ से आप बंद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको इसका चार्जिंग पॉइंट दिखाता हूँ। तो जब आपको इसको चार्ज करना रहेगा तो यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग का ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो ईज़िली यहाँ से आप ईज़िली इसको चार्ज कर सकते हो, ये देख सकते हो। तो 4 घंटे के अंदर दोस्तों ये फुल चार्ज हो जाता है, 4 आवर्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 4 घंटे के अंदर आप इसको फुल चार्ज करके 180 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो। और ओवरऑल बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। पहले जो ये था वाइट कलर में अवेलेबल था अपने पास, ये देख सकते हो, अभी ग्रीन कलर में आ गया और एक पिंक कलर में भी आएगा। तो ये आप ओवरऑल देख सकते हो पीछे का इसका व्यू। और दोनों कलर में से कौन सा कलर अच्छा है कमेंट करके जरूर बताना, वाइट कलर या फिर ग्रीन कलर, ठीक है। और जो पीछे का टायर प्रोफाइल रहेगा वो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, MRF के जो टायर है आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और जो साइज़ रहेगा 12 का साइज़ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, 12 इंच के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ओवरऑल मैं एक बार आपको इसका 360 व्यू दे देता हूँ। तो 360 व्यू में कुछ ऐसा रहेगा ये पूरा, और यहाँ पर इसका चार्जर आप देख सकते हो,
जो चार्जर रहेगा कुछ ऐसा चार्जर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी पावरफुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्जर है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इजीली आप इसको चार घंटे के अंदर, चार से पाँच घंटे के अंदर ओवरऑल फुल्ली चार्ज कर सकते हो। और जो ऊपर की बॉडी रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बारिश वारिश के दिनों में आप और भी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप इसको ये जो है कवर भी कर सकते हो, अगर बारिश ज़्यादा आ रही है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें करवा सकते हो। और ये जो है ये डोर सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, ये वाला जो यहाँ से इजीली आप इसको अभी यहाँ से प्रेस करके ओपन भी कर सकते हो, और यहाँ से भी लॉक किया हुआ है तो यहाँ से आप इजीली ओपन कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। तो एक तरह से कार का जैसा फीचर इसमें दे दिया, जबकि पुराने वाले ऑटो में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो अब मैं आपको इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस कितना रहेगा एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस कितना रहेगा, और कितनी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट इस पर दे रही है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। कोटेशन तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये मोंटेरा का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओरिजिनल इसका ये है दोस्तों, जो कोटेशन जो होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स शोरूम जो प्राइस रहेगी 4,42,513 रहेगी, और उसके बाद में जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की, पहले थी 88,000 और अब हो गई है 75,660, 75,660 रुपीज़ हो गई है। और उसके बाद में एक्स शोरूम प्राइस वगैरह सब कुछ आपको इंश्योरेंस जो रहेगा 10,000 का आपको इंश्योरेंस इस पर ये रहेगा दोस्तों, 10,000 का इंश्योरेंस पड़ जाएगा। उसके बाद में RTO जो रहेगा 1500 का, और मोटर का जो रहेगा 5,500 का, और उसके बाद में सारी चीज़ें आप मिला रख के सब कुछ सारे खर्चे निकालने के बाद में ये फाइनल प्राइस जो आपको पड़ेगी 3,88,900 की आपको पड़ जाएगी दोस्तों। 3,88,900 का ये आपको ऑन रोड पड़ने वाला है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर में। और बेंगलोर के अंदर इसकी दो ब्रांचें हैं दोस्तों, एक है हमारा TC पालिया में और एक है राजाजी नगर के अंदर में। दो ब्रांचें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, और ओवरऑल आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और सेल्स मैनेजर सर के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली कांटेक्ट करके इस ऑटो की टेस्ट ड्राइव ले सकते हो और इसको बुकिंग भी करवा सकते हो, और सारे फीचर वगैरह के बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और ऑल ओवरऑल इंडिया में कितनी ब्रांचेज हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो ब्रांचें हैं बेंगलोर में अपने पास दो है, जयनगर में एक है और एक TC पालिया में है। और मैन्युफैक्चरिंग ये होता है अपना दिल्ली, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इसका होता है चेन्नई के अंदर, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये सारी डिटेल्स है, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सर का नंबर मेंशन कर दूंगा जो यहाँ के मैनेजर है, तो वहाँ से आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसका टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हो। और ओवरऑल मैंने आपको सारी डिटेल दे दी, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। और भाई के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसे पावरफुल वीडियो आपका भाई आपके लिए एवरीडे बनाकर लाता रहता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्वामी विवेकानंद जी भी विराजमान हैं, और बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रिक ऑटो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सारी डिटेल्स एक बार और देख लीजिए, मोंटेरा EVP 2.0 4,42,513 रुपीज़ का ये एक्स शोरूम है, और ऑन रोड इसकी जो प्राइस है 3,88,999 रुपीज़ का ये आपको पड़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर में भी लॉन्च हो चुका है, और अब इसकी रेंज भी बढ़ गई है, 180 किलोमीटर इसकी रेंज हो चुकी है, पहले 160 किलोमीटर इसकी रेंज थी। तो उसके बाद में ये ग्रीन कलर में, ये वाइट कलर में, और काफ़ी बड़ा भी है दोस्तों, ये जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिक ऑटो आते हैं उनसे काफ़ी बड़ा है ये इलेक्ट्रिक ऑटो, ओवरऑल आप ये देख सकते हो। और जो महिंद्रा का ये इलेक्ट्रिक ऑटो है इससे भी बड़ा है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इससे भी इसका हाइट ज़्यादा है और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।